आई जा रही है, चूंकि हादसा बहुत भयंकर था तो जान भी जा सकती है लोगों की। बहरहाल आगे बढ़ते हैं और बात राजनीति की। विवादों के बीच इनेलो की नई कार्यकारिणी का गठन, ओम प्रकाश चौटाला ने नई कार्यकारिणी बनाई है। अशोक अरोड़ा फिर से इनेलो के प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं। अजय चौटाला पार्टी के महासचिव रहेंगे। ये बड़ा बदलाव इनेलो में। विवादों के बीच इनेलो की नई कार्यकारिणी का गठन कर दिया गया है। ओम प्रकाश चौटाला ने नई कार्यकारिणी का ऐलान कर दिया। अशोक अरोड़ा को फिर से इनेलो का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। अजय चौटाला महासचिव बने रहेंगे। इससे पहले लगातार विवादों में रही इनेलो। परिवार का विवाद अब सार्वजनिक हो गया। ओम प्रकाश चौटाला ने एक बार फिर से बड़ा बदलाव किया है। पार्टी में बड़ा बदलाव, नई कार्यकारिणी का गठन। अनिल कुमार हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। अनिल, इस नई कार्यकारिणी के बारे में जानकारी दें। जी, आज इंडियन नेशनल लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश चौटाला ने राज्य पार्टी के नए पदाधिकारियों की घोषणा कर दी है और इसमें जो है जो नई ये लिस्ट जारी की गई है उसमें अशोक अरोड़ा एक बार फिर इनेलो के प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं। इसके साथ साथ ही विधायक जसविंदर सिंह संधू, सतवीर वर्मा, ओम प्रकाश माता, राजिंदर बिस्ला पूर्व विधायक और सुनील यादव को उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इसके साथ साथ डॉक्टर अजय सिंह यादव को प्रदेश के सेक्रेटरी जनरल के पद पर बने रहेंगे, जबकि राजकुमार सैनी, भूतपूर्व विधायक वेद नारंग, विधायक बूटा सिंह रुकी और ईश्वर प्लाका जनरल सेक्रेटरी नियुक्त किए गए हैं। सेक्रेटरी के पदों को पर बलदेव सिंह घनकस, राजकुमार और महेंद्र सिंह चौहान नियुक्त किए गए हैं और भूतपूर्व विधायक रामपाल माजरा को संगठन सचिव बनाया गया है। राज्य प्रवक्ता का कार्यभार प्रवीण आत्रे और प्रचार सचिव का पदभार राजकुमार इढारू को दिया गया है। जी शुक्रिया आपका अनिल कुमार, इस खबर पर जानकारी देने के लिए।